Hey, thank you for purchasing me. Welcome to our home. Hey दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मिताक्षी रावत और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हो चुके हैं तैयार। एक्चुअली हमें कहीं जाना था। एक्चुअली मेरे जीजी हैं जो, उनके फादर एडमिट है गंगाराम हॉस्पिटल है यहाँ पे करोल बाग में, वहाँ पे एडमिट है। तो उनको एक हफ्ता हो गया, उनके इलाज चल रहा है और दुआ करते हैं बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे और वो ठीक ठाक होके घर चले जाएंगे। बट अभी इलाज चल रहा है उनका और उनके लिए इम्प्रूव है, अभी इम्प्रूवमेंट है। तो सोमी का नाइट शिफ्ट जाना है सोमी ने, तब तक हम दिन में उनको मिलके और थोड़ा जीजी को खाना, घर का खाना, बना हुआ खाना दे के आते हैं। तो मैंने फटाफट खाना बनाया, पैक किया और अब हम निकल रहे हैं। तो आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। तो चलिए दोस्तों, और आज हम रियो को भी ले जा रहे हैं अपने साथ, क्योंकि उसका काफी लंबा गैप है पेपर के लिए। तो हमने सोचा इसकी भी आउटिंग करते हैं आज। तो चले, चलो तो चलो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। रियो फाइनली आ रहा है और माइलो को देखो, माइलो उदास है कि ये लोग तैयार होके कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं ले जाते हो, सारे के सारे तैयार दिख रहे हो। पर माइलो रहेगा घर में और हम जल्दी आते हैं। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आपको भी साथ ले चलते हैं, डोंट वरी, आपको साथ ही रखते हैं हम। तो चलिए हमारे साथ। ये रही हमारी गाड़ी की पार्किंग। चल रही है, बैठो। दोस्तों निकल गए हैं हम, और आज पता है माइलो घर में है अकेला, और उसको अकेला और उसको हमने ना खुला छोड़ दिया है। सोमी ने कहा बांधो मत, क्योंकि और दिन हम कहीं जाते हैं तो हम उसे बांध देते हैं जब सारे के सारे घर से बाहर जाते हैं। बट आज वो खुला है तो कहीं, मुझे लग रहा है कहीं कुछ कांड ना कर दे, वो बड़ा हो गया, जवान हो गया। बट फिर भी जैसे होता है, उनको भी गुस्सा आता है कि भाई हमें छोड़ के चले गए, कहीं गुस्से में कुछ काट वाट दिया। तो पता है एक दिन हमने उसको खुला छोड़ दिया था ना, तो उसने ना बिस्तर में पॉटी कर दी। तब वो छोटा था, तब वो छोटा। आज बहुत दिनों बाद आउटिंग, माइलो को भी ले आना था ना रियो, मिल के आ गए उनको। तो अब सोच रहे हैं चलते हैं घर की तरफ, और रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए, देखते हैं अभी घर को निकलते हैं या सोमी कहीं और ले जाते हैं। सोमी का मन नहीं है कहीं और ले जाने का, सोमी नाइट शिफ्ट है ना। मैं भी आ रही हूँ। पीछे ये पैर के ऊपर चढ़ गया, ये इधर है, इधर व्यू में। हाँ नहीं, चले यहाँ से करोल बाग पास है। तो निकल गए हम जे जी से मिलके, उनको खाना वाना खिला दिया और आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल जी और जल्दी घर जाएंगे अपने। तो अभी हम फिलहाल निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ से करोल बाग बहुत पास पड़ता है, बहुत पास। चलो आपको घुमाते हैं करोल बाग के मार्केट, जैसे हम पहले भी घुमा चुके हैं, बट पहले हम मोबाइल मार्केट गए थे, आज मैं आपको मेन मार्केट करोल बाग के मेन मार्केट घुमाती हूँ। किधर को जा रहे हो ये? हम जहाँ से आए वहाँ से लग नहीं रहे कि हम वहाँ जा रहे हैं। घर जा रहे हैं हम, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जा रहे। तुमने तो मार्केट बोला था, यहाँ पे करोल बाग है, मैं यहाँ तक आई टच करके चली जाऊंगी क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? अब चलो ना एयरप्लेन। वो देखो रियो, हनुमान जी खड़े हैं वहाँ पे, कितने बड़े देखे तुमने, वो वेलकम करते हैं यहाँ से, वेलकम वेलकम। चलो जी, ओके, क्या चार्जेस हैं यहाँ गाड़ी पार्किंग के? 70 रुपए, 70 रुपीज पर घंटा। चलो तो दे दी हमने गाड़ी भी और चाबी भी, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। और रियो को तो बस खाने गोलगप्पे है ना रियो? ये है यहाँ की मार्केट करोल बाग की। उधर पीछे की साइड है मोबाइल की मार्केट और इधर है कपड़ों की मार्केट। ये है मार्केट, ये देखिए। सॉक्स ही खानी इसको, सॉक्स।
कैसा हो रहा? ट्राई करो अच्छी। मैंने कहा पूरी कपड़े खाने तभी मेरे को जान पड़ेगा नहीं तो मैं चलता रहूँगा। तो सामने दिख रहा है तुझे कुछ? तो चलो गाइस हम छोले कुलचे सॉरी क्या बोल रहा हूँ हाँ गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खिलाएगा कौन? पापा खाएगा गोलगप्पे। अब शिकंजी पीनी है। चल आज रियो आज लग रहा है रियो सिर्फ खाने पीने के लिए आया है मार्केट और रियो कर रहा है मजे खा के पी के मस्त मजे आ रखे हैं रियो के। ये देखिए ऐसी गलियों में है दुकानें और बाहर तो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं शूज के कपड़ों के। और ये एक शॉप है जहाँ घड़ी और गॉगल्स ओनली 100 रुपीज़ बहुत अच्छे अच्छे गॉगल्स मिल रहे हैं ओनली 100 रुपीज़ और वॉचेस भी हैं बहुत सारी 100 रुपीज़ में। तो और कुछ लिया जाए ना लिया जाए रियो के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लिया ही जाता है। घर में दिखाऊंगी क्या लिया है ना रियो घर में दिखाएंगे। रियो हो गया खुश रियो तो मजे आ गए आज मार्केट आने में है ना बहुत ही। मैंने फुल फायदा उठा लिया अगर नहीं आता तो। फुल फायदा कैसे उठाया? खाने के भी मजे हो गए और सामान भी ले लिया रियो के लिए जो रियो चाह ही रहा था उससे बेटर आ गया है ना। और वो सॉफ्ट टॉय कितने प्यारे लग रहे हैं। वहाँ पर भी मंकी है अगर ये कितना होगा रियो ये जिंदा हो गया रात को मेरे पैर का पानी लग गया। इसको देखो इसको देखो ठीक है और ये कितने के इसका क्या करोगे तुम इसके ये करो अच्छा दोस्तों आज मैंने बहुत सारे काम किए जैसे काम किए तुमने हाँ जैसे गोलगप्पे खाए और जूस पिया और मेरे एक और नई चीज आई। रियो के मजे आए आज मतलब रियो का आना सही हो गया आज है ना रियो रियो क्यों सुमी तो चलिए बने रहिए मेरे हमारे ब्लॉग में बने रहिए हम आपको घर में दिखाएंगे क्या चीज ली है रियो के लिए और बहुत ही यूजफुल चीज है आपको भी देख के मजा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ और अब ऐसा लग रहा है माइलो पता नहीं क्या कर रहा होगा घर में जाके हमें क्या सरप्राइज मिलता है। माइलो देगा हमको सरप्राइज क्योंकि माइलो की फ्रेंड लेके जा रहे हैं आज हमें। इतनी क्यूट लग रहा है ना वो डॉगी इतना क्यूट लग रहा है ना मतलब सही में उसको देख के ना माइलो की याद आ रही है देखो कितना क्यूट है। फाइनली घर और देखते हैं माइलो ने क्या तंग मचा रखा है घर में बेचारा बहुत देर हो गई उसको आज घर में। आराम से खोला आराम से माइली माइली घर में अकेला था बाबू माइली अकेला था। यो लाइट खोलो बेटा
माइली ये आपके लिए नहीं, इधर देखो देखो देखो, इधर आओ। कहाँ जा मेरे बच्चा, क्या क्या मेरे बच्चे ने, आज 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 अंदर मिलेंगे अंदर। माइली सारे सॉफ्ट टॉयज देख रहा है जो रियो लाया है। माइली को डॉगी पसंद आई, माइली को डॉगी पसंद आई, डॉगी हेलो माइली फाड़ देगा रियो उसको। तो मिट्टी तो बना रहे अभी चाय, और चाय पी के थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद थोड़ा मैं सो जाऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो, उसके बाद जाना है ड्यूटी, ड्यूटी की तैयारी करूंगा। और मैंने मेरे लिया था वो दिखाने, चलिए। तो आपको दोस्तों मैं दिखाती हूँ मैं रियो के लिए क्या लाई हूँ। एक्चुअली वो चीज़ मैंने किसी बड़े व्लॉगर के व्लॉग में देखी थी, यूट्यूब में ही देखी थी, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा था यार ये पता करूँगी मैं कितने का होगा। तो आज जब मैं मार्केट गई तो चलते चलते एक शॉप पड़ी, मुझे लगा पूछना चाहिए, मैं सिर्फ पूछने के लिए गई थी, बट मैं उसका प्राइस देख के दंग रह गई। आपको भी दिखा, ये है वो छोटा सा LCD राइटिंग टैबलेट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, नो पेपर नो चॉक। रियो का आपको दिखाती हूँ क्या है ये, कैसे वर्क करता है। ये देखिए ये एक छोटा सा टैबलेट जैसा है, देखिए, और इसके साथ मिली है एक पेन राइटिंग के लिए। देखिए अब हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं रियो का नाम, कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, और इसको डिलीट करने के लिए ये छोटा सा बटन यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखिए, इसको बस प्रेस कर देना है और ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना, बहुत यूजफुल चीज़, मुझे तो बहुत यूजफुल लगा ये। रियो इसको काफी तरह से यूज कर सकता है, क्यों रियो? हाँ। अपने मैथ के वो सॉल्व करने के लिए, अपनी छोटी मोटी ड्राइंग बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। ये देखिए कुछ भी बनाओ और एक क्लिक में हो जाएगा साफ। तो मैं कोई प्रमोशन ही कर रही हूँ, बट ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये। बहुत जरूरी चीज दोस्तों, जो मैं आपको मेन चीज तो बताना ही भूल गई, आपको क्या लगता है कितने का होगा, यस बताइएगा। चलो मैं बता देती हूँ, ओनली 150 रुपीज। मतलब लगा नहीं था ये 150 रुपए का, मुझे लगा था ये होगा अराउंड 350-400-500 तक की रेंज में होगा, बट ये 150 का बहुत बढ़िया मिल गया। तो आप भी लीजिए, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, 150 रुपए में बहुत अच्छा है। और बहुत कुछ क्यूट सी चीजें लाई हूँ, ये देखिए कितने क्यूट लग रहे ना ये। और आपको पता है ये कितने के बड़े हमें, ये 50-50-50-50, ये 50 रुपीज ईच है, मतलब 200 में ये हमें चारों मिल गए। बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, कुछ यूनिक सा है। ये देखिए ये कौन है, हिप्पो, ये डॉगी तो बहुत ही प्यारा है, और ये कुछ अलग सा यूनिक सा कैरेक्टर लगा मुझे, तो हमने ये उठा लिया। और ये हमारे पास ऑलरेडी एक पू तो है, वो देखो हेडफोन लगा के बैठा है, हम पू के साथ के लिए एक उसकी दोस्त ले आए। तो बताइएगा मुझे कैसे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं ना ये, और मॉडलो को भी अपना जोश बहुत पसंद आया। तो अब सोमी तो थक गए, बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। देखो सोमी वो टेडीज कितने क्यूट लग रहे हैं ऊपर। तो सोमी करेंगे थोड़ा आराम, और मैं भी बहुत थक गई हूँ, सोमी ने नाइट ड्यूटी जाना है, थोड़े काम है, अभी पानी भी आने वाला है हमारा। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।